गुरुत्वाकर्षण तरंगे किया है। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिसने काफी हद तक हमारी जिज्ञासा को शांत करने का काम किया। गुरुत्वाकर्षण लहरें या तरंगे भी एक ऐसी ही खोज है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण तरंगों को परिभाषा इस तरह दी जा सकती है कि अंतरिक्ष काल की वक्रता में ऐसी लहर जो कि प्रकाश की गति पर तरंगों के रूप में फैलने का काम करती है। यह तरंगे ऐसी गुरुत्वाकर्षण संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न होती हैं जो उनके स्रोत से बाहर की ओर संचरित करती हैं। तो हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं देवासी शोर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्वप्रथम 1893 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण की संभावना ओलिवर हेविसिड ने की थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत में इनवर्स स्क्वायर नियम के बीच समानता दर्शाते हुए इसकी चर्चा की थी। मगर इस सिद्धांत को सापेक्ष रूप 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया जब उन्होंने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में दर्शाया कि गुरुत्वाकर्षण लहरें गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में ऊर्जा का परिवहन करती है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के जैसे ही उज्ज्वल ऊर्जा का एक रूप है। मगर वहीं न्यूटन ने अपने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों में गुरुत्वाकर्षण की तरंगें मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि धारणा के अनुसार भौतिक आवागमन अनंत गति पर होता है। आइंस्टाइन ने अपने साधारण सापेक्षतावाद सिद्धांत में अंतरिक्ष और समय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बताए। उनके अनुसार यह दोनों एक दूसरे से काफी हद तक बंधे हुए हैं। इसे ही काल अंतराल कहा जाता है। इसे एक चादर के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। चादर के चार आयाम हैं जो कि अंतरिक्ष के तीन आयाम, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तथा चौथे आयाम के रूप में समय को रखा जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ समझने के लिए है, वास्तविकता इससे काफी भिन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में हमारी मान्यता है कि यह सिर्फ वस्तुओं को खींचने का ही बल माना जाता है। मगर आइंस्टाइन ने इसके विपरीत एक थ्योरी दी। उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण काल अंतराल को मोड़ देता है, उसे विकृत कर देता है और इसी प्रभाव को हम आकर्षण बल के रूप में देखते हैं। दरअसल एक अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड काल अंतराल को इस तरह से मोड़ देता है कि इस मुड़े हुए काल अंतराल से गुजरते हुए अन्य पिंड की गति अपने आप ही त्वरित हो जाती है। जैसे हम एक कसकर तनी हुई चादर के बीच में एक भारी गेंद रख देने पर उसमें झूल उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि चादर में झूल आ चुका है, ऐसी स्थिति में जब हम चादर पर कुछ कंचे डालते हैं तो वे अपने आप गति प्राप्त कर लेते हैं। यदि साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत को गणित के सहारे समझा जाए तो उसके अनुसार यदि किसी अत्यधिक भार वाले पिंड की गति में त्वरण आता है तो वह अंतरिक्ष में हिचकोले या लहरें उत्पन्न करेगा। यह लहरें उस पिंड से दूर गति करती हैं। इन लहरों को ही काल अंतराल में उत्पन्न तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों का ही गति के साथ काल अंतराल में संकुचन और विस्तार संभव हो पाता है। इस घटना को आप किसी शांत जल में पत्थर डालने से जल की शांत सतह को मोड़ रही लहरों के जैसे मान सकते हैं। इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करने की कई विधि है। इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए भार का उपयोग किया जाता है क्योंकि जितना अधिक भारी और घना पिंड होता है वह उतनी अधिक ऊर्जावान तरंग उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से त्वरित होकर एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति बहुत धीमी है, इसकी वजह पृथ्वी का द्रव्यमान का कम होना है। क्योंकि इसकी वजह से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंग को पकड़ पाना लगभग असंभव ही है। लेकिन वहीं अगर हम दो अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड को लेते हैं, जैसे न्यूट्रॉन तारे जो कि महाकाय तारों के अत्यधिक घनत्व वाले अवशेष केंद्रक होते हैं, यह अपनी गति से ऐसी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसी कड़ी में 1974 में खगोलशास्त्री जोसेफ टेलर एवं रसेल हल्स ने एक युग्म न्यूट्रॉन तारों की खोज की। इन दोनों तारों का द्रव्यमान अत्यधिक था, इसी की वजह से यह घने तारे एक दूसरे की परिक्रमा अत्यधिक तीव्र गति से करते हैं। यह लगभग 8 घंटे में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। इस तीव्र गति की परिक्रमा के फलस्वरूप थोड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस ऊर्जा उत्सर्जन का कारण तारों की परिक्रमा गति है। इसी के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा के ह्रास से उन तारों की परिक्रमा की गति भी कम हो रही थी। इससे उन तारों की कक्षा की दूरी भी कम हो रही थी और उनकी परिक्रमा का समय भी कम हो रहा था। समय के साथ उनकी कक्षा की दूरी में आने वाली कमी की गणना की गई और यह कमी साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत से गणना की गई कमी से सटीक रूप से मेल खाती थी। मगर हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि क्या गुरुत्वाकर्षण तरंगे वाकई दिखती हैं। इसी सिद्धांत की प्रमाणिकता की जांच के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नई जांच शुरू की है और इसी के लिए अंतरिक्षयान लीजा पाथफाइंडर अंतरिक्ष में भेजा गया है। दरअसल सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से करीब 100 साल पहले इसका अनुमान लगाया था। बता दें, लीजा पाथफाइंडर को फ्रांस के कोरू अंतरिक्ष बेस से छोड़ा गया है। यह यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ऐसी जगह के लिए उड़ान भरने को तैयार है जहां कोई गुरुत्वाकर्षण ताकत काम नहीं करती है। इस यान में एक यंत्र लगाया गया है। यह यंत्र ही अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षक लहरों का पता करेगी। आइंस्टाइन के अनुसार ऐसी लहरें दो ब्लैक होल के मिलने से और किसी तारे के फटने से पैदा होने की वजह से निर्मित होती है। इस मिशन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में जानने के लिए आगे होने वाले बड़े मिशन में मदद मिलेगी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी की स्पष्टता के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कई और रहस्य से पर्दा हटाया जा सकेगा। इस सिद्धांत की प्रमाणिकता विज्ञान में एक क्रांति लेकर आएगी। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।